क्या करोगे अगर तुम्हें पता चला कि यहाँ तुम्हारी ये आखिरी रात है? जो दुनिया को नामुमकिन लगे। धूम फोर से बाहर फेंके जाएंगे छोटे बच्चन, जिनकी जगह पर अब आएगा ये कंगूवा स्टार, जिसका होगा अब सीधा किंग खान से सामना। दरअसल आदित्य चोपड़ा की पॉपुलर धूम फ्रेंचाइजी का नेक्स्ट पार्ट यानी धूम फोर को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें बताया गया कि धूम फोर की स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है और इस फिल्म में शाहरुख खान नेगेटिव रोल में नजर आ सकते हैं और तमिल सुपरस्टार सूर्या इसमें पुलिस के रोल में दिख सकते हैं। वैसे हर धूम फ्रेंचाइजी में फिल्म का विलन बदलता ही रहता है। इस बार शाहरुख और रणबीर को लेकर सोशल मीडिया पर इसके लिए चर्चे हो रहे थे, पर शायद शाहरुख का ही नंबर इसमें लग सकता है। पर उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब ये है कि अगर सूर्या इस फिल्म में होंगे पुलिस ऑफिसर के रोल में, तो इसका मतलब अभिषेक बच्चन का रोल तो उनके हाथ से गया। तो अभिषेक बच्चन को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है ये सब सुनकर, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि धूम की हर फ्रेंचाइजी में उनका जय दीक्षित नाम का पुलिस ऑफिसर बनकर फिल्म के विलन के साथ जो चोर होता है उसके साथ चूहे बिल्ली वाला उनका खेल हमेशा इस फ्रेंचाइजी का एक हाईलाइट रहा है। उनका यह कैरेक्टर ऑडियंस ने हमेशा पसंद भी किया और ये फिल्म फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल होने में उनका काफी कंट्रीब्यूशन भी रहा। वैसे अभिषेक ने बहुत ही उम्दा कैरेक्टर निभाया तो जरूर था, पर क्या है ना अभिषेक, आजकल मार्केट में जो डिमांड में है उसी का सिक्का चलता है और आजकल की ऑडियंस कुछ अलग तो देखना चाहती ही है, पर साथ ही वो एक दमदार कास्टिंग भी देखना चाहती है जो उस फिल्म को अमेजिंग लेवल पर ले जाए। और आदित्य चोपड़ा भी पुराने जमाने में थोड़ी रह रहे, उन्हें भी धूम फोर को एक अलग लेवल पर लेके जाना है, जिसके लिए उन्हें ऐसे ही फेस की जरूरत है जो ऑडियंस के बीच क्रेज बनाकर रख सके। इसीलिए तो आदित्य चोपड़ा ने ट्रिपल आर की सक्सेस के बाद ग्लोबल पॉपुलैरिटी हासिल कर चुके जूनियर एनटीआर को अपनी अपकमिंग एक्शन फिल्म वॉर 2 का विलन भी बना डाला, जिसके साथ साउथ में भी इस फिल्म का बज बढ़ गया। और ये सब जानते हैं कि एनटीआर के लिए हिंदी ऑडियंस कितनी दीवानी है और यही सब सूर्या के साथ भी हो रहा है कंगूवा के कारण। लोग उन्हें बहुत प्यार दे रहे हैं, ऐसे में इस बात का फायदा एक ब्रिलियंट प्रोड्यूसर नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा। और साथ ही सूर्या की पुलिस वाले अंदाज इससे पहले भी काफी पसंद किया, मतलब इतना पसंद किया कि कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो चुका था कि अजय देवगन की उस पर रीमेक भी बन गया। तो सिंगम एक तमिल फिल्म थी जिसमें सूर्या को एसीपी के कैरेक्टर में देखा गया और स्टाइलिश लुक, रफ टफ एटीट्यूड, स्वैग और ऑरा उसमें दिखाई दिया, जिस वजह से अजय देवगन ने इसका सीक्वल ही बना डाला, इसका रीमेक ही बना डाला। वैसे आप अभी सोचेंगे कि अगर सिंगम ही चाहिए तो हमारे अजय भी तो थे ना, उन्हें क्यों नहीं लिया? तो आपका सवाल बिल्कुल सही है, पर पहला रीजन ये है कि एक तो आदित्य चोपड़ा को साउथ का ही कोई बड़ा चेहरा चाहिए था, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंगूवा के बाद सूर्या को बॉलीवुड में देखने के लिए लोग मरे जा रहे हैं, और तीसरी बात यह कि अजय अगर इससे जान बेसी है जो उस फिल्म से जुड़ेगा, जबकि धूम 4 के लिए अब साउथ ऑडियंस भी चाहिए आदित्य को, इसलिए सूर्या कास्टिंग में इंक्लूडेड है। देयर इज नो मोर रीजन टू वेट। जो अजय को लेना पॉसिबल तो ऑब्वियसली नहीं हो पाता, बिकॉज अजय की जो फैन बेस है वो हिंदी ऑडियंस है। खैर छोड़ो, सूर्या अगर इस फिल्म में होंगे तो कितना मजा आएगा ये सोच के बस एक्साइटेड रहो, और आप कितने एक्साइटेड हो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियो। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। व्हाट्सएप हाय टू 8828850888।